पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में ताबड़तोड़ रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में जनसभाएं कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरी बार सरकार बनने पर आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार ओडिशा का मुख्यमंत्री उड़िया होगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने नवीन पटनायक की तबीयत को लेकर कहा कि उनकी तबीयत खराब के पीछे साजिश नजर आ रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। एक और गारंटी है, ये गारंटी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की है। इससे भी ओडिशा की लाखों बहनों को सीधा लाभ होने जा रहा है। भाजपा सरकार आपका बिजली बिल जीरो, सुना ना, बिजली बिल जीरो। इतना ही नहीं, ये मोदी सरकार आपका बिजली बिल जीरो तो करेगी ही करेगी, लेकिन साथ में आप बिजली बेच करके कमाई भी करेंगे। उड़ीसा ने भी बीजेडी के 25 साल के राज को फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है और मैं यहां आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, साथ साथ मैं आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। 10 जून को भाजपा का उड़ीसा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है।